Yo, what's happening guys, my name is Logier guys। आज हम फिर से यहाँ पर एक न्यू Roblox वाली दुनिया के अंदर मौजूद है और guys आज हम यहाँ पर खेल रहे हैं एक न्यू गेम। और guys आज की गेम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर बहुत ज्यादा सिंपल है। तो guys हमें यहाँ पर guys गाड़ियाँ बेचनी है और guys इन्हीं गाड़ियों के पैसों से हमें यहाँ पर बनाना है एक अपने लिए खतरनाक यहाँ पर डीलरशिप। तो ये रही मेरी सबसे पहली वाली गाड़ी और guys हर एक सर्फर में सिर्फ $50 दे रहा हूँ। भाई $50 की पहले मुझे ये बताओ कि कौन सी गाड़ी होती है $50 की। लेकिन एनीवेज गाइस अगर हमने यहाँ पर सक्सेसफुल बनना है तो हमें इस छोटी मोटी गाड़ी से ही शुरू करना पड़ेगा। और गाइस आगे जाके जैसे ही मैंने सब कुछ अपग्रेड कर लिया तब यहाँ पर गाइस हर एक स्टैंड के ऊपर खड़ी होंगी लैम्बोर्गिनी और बुगाटीज। लेट्स गो। और मैं सामने ऑलरेडी देख रहा हूँ यहाँ पर कितने सारे डीलरशिप्स है। अगर उस तरफ देखे तो वहाँ पर क्रिसमस ट्री वाला डीलरशिप भी है भाई। तो एक काम कर, तो ये जो अपनी पीली बेकार सी गाड़ी है मैं एक्चुअली इसको अपने लिए चला भी सकता हूँ। तो तेरी मैं पीछे वाली सीट के अंदर बैठ गया और अभी हम चलते हैं गाइस। और वो देखो भाई उस वाले बंदे के पास क्या खतरनाक गाड़ी है भाई, उसके पास फरारी है गाइस। मुझे भी यहाँ पर फरारी चाहिए। और मैंने सुना कि चपाती भाई भी यहाँ पर गाइस बिजनेस कर रहे हैं भाई, उन्होंने भी गाइस अपने लिए एक कार डीलरशिप खोल के रखा है। और गाइस अभी मुझे उनको ढूंढना भी है भाई सिटी के अंदर, पता नहीं वो कहाँ मुझे मिलेंगे। आई थिंक गाइस वो इस तरफ होंगे। चपाती भाई कहाँ रहो भाई, ये सामने आप तो नहीं आ रहा भाई। अरे भाई ये ब्लू वाली गाड़ी फिर से आ गई। तो एक काम करता हूँ मैं इस तरफ चलता हूँ क्योंकि मुझे लगता है चपाती भाई, अरे ये तो नहीं है। हेलो कैसे भाई, आपके पास भी सेम गाड़ी है भाई, ये बेकार वाली आप यूज कर रहे हो। इसके अंदर लैम्बोर्गिनी का इंजन लगा है, गाड़ी भले ही बाहर से टैक्सी दिख रही है लेकिन अंदर से लैम्बोर्गिनी। ओ भाई इंटीरियर देखो, हैंडलिंग ओ देखो, ओ भाई क्या इंटीरियर है भाई, क्या इंटीरियर। अच्छा सुनो भाई इसको छोड़ो, कैसी होती है बता मेरे को। हां भाई आपकी गाड़ी अभी गई, उधर से धक्का मारना मेरे को प्लीज, मेरे गाड़ी की गाड़ी है भाई। मैं ट्राई करता हूं, मैं पीछे से भाई फुल स्पीड में आता हूं ठीक है ना। लगे मैं तो खतरनाक वाला बिजनेस कर रहा हूं यहां पर भाई। 2 सेकंड के अंदर मैं, अरे मिलियन मेरे बैंक के अंदर आ रहे हैं, मिलियन में। ओ लैम्बोर्गिनी वाले ने आपको ठीक कर दिया भाई, क्या भाई वो भाई ठीक करके भाग गया वो। अच्छा सुनो भाई, मैंने मसीहा होगा आया काम किया भाग गया। अच्छा सुनो भाई, मैंने सुना कि हम यहाँ पर रेस भी लगा सकते हैं। क्या लोग भाग गाड़ियां लेके भाग रहे हैं। तो भाई मैंने देखा भाई उसके पास मैक्लारेन थी भाई, तो भाई उसके पास तो मैक्लारेन थी भाई, बड़ी महंगी महंगी गाड़ियां भाई लोगों के पास। ओके लगे हाँ, ये इनके पास मैक्लारेन होगी तो होगी, हमने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खाई भाई, हम भी लैम्बोर्गिनी लेके आएंगे भाई। आ जाओ अपने गैरेज के अंदर, थोड़ा बहुत काम मेरे करो, तेरे को मिलता हूं बाद में। मुझे आपका गैरेज देखना है, वो सामने ग्रीन वाला आप है क्या? वो मेरा मैं, वो मेरा ही गैरेज है, वो देख लिया गैरेज देख लिया। लैम्बोर्गिनी भी गई भाई, और ये गैरेज के अंदर मेरे गैरेज के अंदर ये खटारा गाड़ियां अलाउड नहीं है। आप भी सेम गाड़ी चला रहे हो, आपको शायद पता नहीं है, आप भी सेम गाड़ी चला रहे हो। वो मेरा गैरेज है, मैं कुछ नहीं कर सकता अपने गैरेज के अंदर, समझ गए। तो गाइस अगर हम टॉप पे देखो तो मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पर $91,000 आ चुके हैं इस बेकार गाड़ी को बेच के। तो अभी टाइम आ चुका है जहाँ पर गाइस मैं अपनी डीलरशिप यहाँ पर थोड़ी बहुत ही अपग्रेड करूँ। तो गाइस अगर मैं इस बिल्ड वाले ऑप्शन के पास जाऊँ तो मुझे अभी यहाँ पर बहुत सारे अपग्रेड्स का ऑप्शन देकर रखा है। तो सबसे पहले हम अपने लिए लेंगे इस बीच में कारपेट, और फिर 2000 की मैं यहाँ पर डेकोरेशन भी ले सकता हूँ। और अभी गाइस मेरे पास फाइनली यहाँ पर एक डोर भी आ चुका है। वैसे डोर का क्या फायदा क्योंकि मेरे पास यहाँ पर दीवारें तो है ही नहीं। और अभी हम यहाँ पर लेंगे कस्टमर की बैठने की जगह और थोड़ी बहुत और यहाँ पर गाइस सोफे भी ले लेते हैं। और अभी आता है प्लेटफॉर्म नंबर 2, और गाइस इसी प्लेटफॉर्म पर मैं अपनी खड़ी कर सकता हूँ एक और गाड़ी। और प्लेटफॉर्म 3 और प्लेटफॉर्म 4 भी गाइस मैंने यहाँ पर अनलॉक कर दिया है। और अभी हम यहाँ पर लेंगे अपने लिए डेस्क। और भाई दीवारें कहाँ पर है, अरे ये रही वॉल नंबर 1, वॉल 2। और एक काम करते हैं, सबसे पहले गाइस मैं जल्दी से ये वॉल्स पहले अपनी अपग्रेड कर लेता हूँ। और अभी अगर देखे तो थोड़ा बहुत ही भाई डीलरशिप जैसा लग रहा है, मैंने यहाँ पर बहुत ज्यादा अपग्रेडिंग कर दी। और ये कौन है, ओ भाई अबे गाड़ी स्लो कर दो, गाड़ी स्लो कर दो भाई, वो शीशे की दीवार है भाई, ये खटारा गैरेज कंपटीशन हमें नहीं चाहिए यहाँ। भाई गाड़ी बाहर निकालो, गाड़ी बाहर निकालो भाई, सिक्योरिटी कहाँ पर है भाई, इस भाई साहब को निकालो यहाँ से। इसके अच्छा पीली वाली खटारा गाड़ी ये शहर के अंदर यही सप्लाई कर रहा, रुक जा भाई। आप भी सेम गाड़ी सप्लाई कर रहे हो, आपको शायद पता नहीं है, मैंने तेरे से लिया गाड़ी। ओ बच गया, देखा भाई गाड़ी मेरी बच गई, होलोग्राफिक गाड़ी है ये। शहर के अंदर खटारा गाड़ी सप्लाई करना अलाउड नहीं है भाई। एक काम करते गाइस, चपाती भाई की गाड़ी तो यहाँ पर आ चुकी है, तो आइए आइए फ्री की गाड़ी लेकर जाइए, फ्री की गाड़ी। ये गाड़ी फ्री में भी नहीं लूंगा, बाय वन गेट वन फ्री है भाई, भाई इतनी खटारा गाड़ी है, मेरे को ये गाड़ी फ्री में भी नहीं चाहिए। तो अभी मुझे गाइस यहाँ पर सिटी के अंदर बहुत ज्यादा पैसे कमाने पड़ेंगे। और आई थिंक अगर मुझे जल्दी से जल्दी और पैसे कमाने हैं तो मुझे गैरेज के अंदर खोलकर मुझे यहाँ पर स्टोर खोलना है। और अभी मैं अपने ले लूंगा एक न्यू गाड़ी। तो यहाँ पर लिस्ट के ऊपर तो बहुत सारी गाड़ियां हैं और मेरे बजट के अंदर है गाइस $24,000। तो $24,000 की मैं कौन सी गाड़ी ले सकता हूँ, वो भाई यहाँ पर तो करूमा वाली गाड़ी भी है GTA 5 से, तो हम वो वाली भी अपने लिए ले सकते हैं। और अगर और नीचे आए तो वो तेरी भाई, यहाँ पर तो गाड़ियां कुछ ज्यादा ही अभी महंगी हो रही है। तो एक काम करते हैं, ज्यादा महंगी गाड़ी नहीं लेते हैं हम, ये वाली लेंगे भाई, ये वाली कुछ ज्यादा मस्त लग रही है $12,000 की ऑलमोस्ट। तो ये वाली गाइस मैं यहाँ पर बाय कर लेता हूँ। और अभी गाइस अगर मैं बिल्ड वाले ऑप्शन के पास जाऊँ और फिर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा प्लेटफॉर्म नंबर 2 और इसको मैं करूंगा चेंज। और अभी गाइस मेरी आ चुकी है यहाँ पर सेकंड गाड़ी रेड वाली, देखो भाई मैं ऑलरेडी यहाँ पर अपग्रेडिंग कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पर एक और गाड़ी भी बाय कर ली।
अपने शोरूम के लिए। एक खटारा गाड़ी कम थी, इसने दूसरी समन कर दी। रुक जा। अबे रहने दो भाई, आपको पता है कुछ ज्यादा भाई आप ओवर रिएक्टिंग कर रहे हो भाई। मेरे को गाड़ी के पास जाना नहीं है, बदबू आ रही है, टायर से बदबू आ रही है गाड़ी की। अगर इस गाड़ी की प्राइस देखो तो ₹50, ये भी $50 की गाड़ी भाई, वो भी $50 की है और ये भी $50 की गाड़ी है। और अभी अगर मैं फिर से बिल्ड वाले ऑप्शन के पास जाऊँ तो गाइज मेरे पास थोड़े बहुत और पैसे तो आ चुके, तो मैं जल्दी से थोड़ी बहुत और यहाँ पर अपग्रेडिंग कर लेता हूँ। तो बाहर से गाइज मैंने थोड़ी बहुत ये डेकोरेशन भी लगा दिया है, और अभी गाइज मुझे जल्दी से ये वाली वॉल्स भी कम्प्लीट करनी है ताकि गाइज चपाती हुए अपनी गाड़ी सीधा अंदर ना घुसा पाए। और अगर बजट की ओर देखे तो मेरे पास सिर्फ $3,000 है भाई। मैं 3,000 के गाइज अभी मैं ये डेस्क भी नहीं ले सकता, तो एक काम करते हैं मैं थोड़ी बहुत ही अपग्रेडिंग करके फिर से आपसे मिलता हूँ। तो फाइनली गाइज मेरे पास यहाँ पर $2.6 million आ चुके हैं और मेरा डीलरशिप भी यहाँ पर फुल्ली अपग्रेड हो चुका है। तो गाइज मैं जल्दी से आपको एक छोटा सा टूर भी दे देता हूँ। तो अगर एंट्री के पास आए और सबसे पहले अगर लेफ्ट साइड पे आए तो हमारी यहाँ पर खड़ी है लैम्बोर्गिनी हुरकन। और अगर गाइज मैं इसकी प्राइस आपको दिखाऊं तो सिर्फ $81 की गाड़ी है, लेकिन गाइज ये मेरी सबसे एक्सपेंसिव गाड़ी है क्योंकि गाइज मैंने ये एक्चुअली लिया $550,000 की। और मुझे पता है कि गाइज इस सिटी में लैम्बोर्गिनी की डिमांड बहुत ज्यादा है, तो 2 सेकंड में गाइज मेरे पैसे फिर से यहाँ पर कवर हो जाएंगे और अगली गाड़ी ये फोर्ड वाली आती है, मुझे एक्चुअली इसका असली नाम नहीं पता है। और उसके बाद अगर इस तरफ आए तो यहाँ पर कोने के अंदर खड़ी है मेरी मैकलैरन वाली गाड़ी, ये भी गाइज मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट गाड़ी है। और अगर मैं आपको इस तरफ दिखाऊं तो गाइज यहाँ पर मेरे लैपटॉप्स पहले पड़े हुए थे, लेकिन उसको मैंने सारा अपग्रेड करके गाइज यहाँ पर एक बड़ा सा टीवी रख दिया। और जब कस्टमर्स गाइज यहाँ पर आते हैं तो मैं इस टीवी के ऊपर सारी गाड़ियों की प्रेजेंटेशन देता हूँ। और अगर ऊपर की बात करें तो ऊपर तो गाइज बिल्कुल यहाँ पर खाली है। तो मेरा प्लान यहाँ पर अभी बहुत ज्यादा सिंपल है, मेरे पास पैसे तो इनफ आ चुके हैं, तो अभी गाइज मैं अपने लिए लूंगा यहाँ पर थोड़ी बहुत ही और गाड़ियां। अगर शॉप खोल के देखे तो मैं यहाँ पर कौन सी गाड़ी ले सकता हूँ। ओ भाई यहाँ पर टेस्ला भी बिक रही है, लेकिन गाइज इसके लिए हमें गेम पास चाहिए। तो एक काम करते हैं, पहली गाड़ी मैं लूंगा अपने लिए यहाँ पर एक रेंज रोवर, तो इसको भी मैं बाय कर लेता हूँ। और अगर और नीचे आए तो यहाँ पर और कौन सी गाड़ियां। ओ भाई ये कौन सी, ये तो T20 है भाई, GTA 5 की T20। और अगर और नीचे आए तो टेस्ला साइबर ट्रक भी हम अपने लिए ले सकते हैं, तो मैं ये भी बाय करूंगा। और फाइनली यहाँ पर गाइज मैंने फुल्ली अपग्रेड कर दिया और ये रहा मेरा टेस्ला का साइबर ट्रक। तो अभी गाइज मुझे टेस्ला का साइबर ट्रक बाहर लेकर, एक्चुअली मुझे ड्राइवर भी लेकर जाना है। और मेरे पास एक और आइडिया भी आया, हम यहाँ पर चपाती भाई के साथ रेस भी लगा सकते हैं। किसकी आवाज भाई, ये आपकी गाड़ी है क्या? चपाती भाई तो कुछ ज्यादा यहाँ पर अपग्रेडिंग कर दी। नेक्स्ट टाइम गाइस मुंह से आवाज नहीं निकालनी, गला खराब हो जाएगा। वही तो भाई, मुंह से अपने आवाज नहीं निकालनी। और मैंने अभी नोटिस किया, हम अपने लिए यहाँ पर एक मेंशन भी ले सकते हैं। लॉगी मेरे को पता नहीं था कि आजकल ये कचरे के डब्बे ब्लू हो रहे हैं, ये क्या है? ये कचरे का डब्बा नहीं है, कचरे का डब्बा। एक सेकंड, अभी मैं अपनी गाड़ी यहाँ पर समन करता हूँ। ये देखो भाई, मेरे पास यहाँ पर टेस्ला का साइबर ट्रक आ चुका है। और आ जाओ भाई, मैं आपको अभी चैलेंज करता हूँ, टेस्ला वर्सेस लैम्बोर्गिनी की रेस हम यहाँ पर लगाएंगे। मेरे पास कितने घोड़े हैं गाड़ी के अंदर, 1000 हॉर्स पावर घोड़ों की। अबे रहने दो भाई, भाग के किधर जा रहा है तेरे को बताता हूँ मैं, डरपोक कहीं के। अरे मैं भाग के नहीं जा रहा हूँ भाई, हम यहाँ पर रेस ट्रैक के ऊपर जा रहे हैं। आ जाओ, हम यहाँ पर अभी रेस लगाएंगे। आजा बेटे, आ जाओ भाई, यहाँ इस ग्रीन वाले जोन के अंदर आप आ जाओ और फिर थोड़े सेकंड में यहाँ पर अपनी रेस भी शुरू हो जाएगी। रेडी हो ना भाई, वो देखो ऊपर लाइट भी जैसे ही ग्रीन हुई हमें जानी है। और लेट्स गो भाई, और सामने हमारे चेक पॉइंट भी है और मैं ऑलरेडी भाई मैं आगे आपसे बढ़ चुका हूँ भाई, मैं कितना तेज जा रहा हूँ भाई। आपको क्या लगा कि आप अपनी लैम्बोर्गिनी भाई टेस्ला से आप बीट कर पाओगे भाई? मैं तेरे बिल्कुल तेरी पूछ के पीछे हूँ भाई, तूने जरा सी और यार मैंने ठोक दी तेरी गाड़ी भाई, आपने ठोक दी। और लेट्स गो गाइस, मैं यहाँ पर जीत गया भाई, मैंने पहला लैप यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। और यहाँ पर कितने लैप्स है मुझे एक्चुअली पता नहीं है, आई थिंक यहाँ पर गाइस 3 लैप्स की रेस होगी। और तेरी भाई मेरी गाड़ी पलट गई भाई, भाई मैं तो मैप से ही नीचे चला गया भाई, मैं नीचे ही गिर गया भाई, मैं दुनिया से ही बाहर निकल गया, दुनिया से बाहर कर दिया भाई। टेस्ला का साइबर ट्रक गाइस इतना तेज है कि मैं पूरी दुनिया से ही बाहर निकल गया। तो चलिए गाइस, आई थिंक अब इस वीडियो में इतना ही काफी है। तो होप यू एंजॉय, तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आप चाहते हो कि गाइस हम यहाँ पर ऐसी और गेम्स खेले तो अभी कभी गाइस सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए। और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।